हमारे केस में कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? कौन कहता कार्रवाई नहीं है? जो मुंह में आता बोल देते तुम लोग। अरे काय को नाराज होते हो साहब? सिविक साइंस में हमने सिखाया है कि फरियादी भी पुलिस से पूछताछ कर सकती है। सिविक साइंस पढ़ाएगी? जब जांच पूरी हो जाएगी तो रिपोर्ट पक्की कर दूंगा। जाइए ना बाबा। साहब साहब क्या ये जांच कब तक पूरी हो जाएंगी? मेरे को बंबई जाना है, वो रोहन साहब बूम करेंगे। तो जाओ ना, कौन रोक रहा है आपको? जाओ। आप क्या जबरदस्त बोले इंस्पेक्टर के सामने। हाँ सर, सर क्या हुआ? एफआईआर पक्की हुई? काय को आपसे मतलब? सर मैं हैदराबाद कोर्ट में 3 साल टाइपिंग का काम कर रहा हूँ। आओ थोड़ी बहुत कानूनी आप ही जानता सर, एक मशवरा दूँ सर। अरे सर सुनिए सर, अगर आपको एफआईआर पक्की करवानी हो ना तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अपने इलाके में कितनी बावड़ियाँ बनी है। लेकिन सर एक उसको कैसे मालूम हम एफआईआर पक्की करवाने आए थे? तू तो कुछ नहीं बोली ना। मैं क्या बोली अब्बा, कसम से एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाला। नहीं ना चल। मैकेनिक साहब, अब्बा की बेरुखी को भूलकर मशवरा मुझे दे। फुलझड़ी जी, एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी जानकारी का हक चालू हुआ है। उसका इस्तेमाल करके एमपीडीओ से जानकारी लो कि और कितनी ऐसी बावड़ियां इलाके में खुदी हैं। फिर बताऊंगा आगे क्या करना है। हाँ भाई बोलो। ओ, कुछ जानकारी चाहिए थी साहब हमें। कैसी जानकारी हो ना बेबी? बस यही कि हमारे इलाके में कपिल धारा के तहत इस साल कितनी बावड़ियां खोदी गई है। और वो बावड़ी मालिक के नाम पता भी चाहिए होगा ना? हाँ, बेबी वो भी साहब। नो 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 नो, दिस इंफॉर्मेशन इज 100% कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मैं आपको कैसा दे सकता हूँ? सर जानकारी का हक यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो हर किसी का हक है ये तो आप जानते ही होंगे। अगर कोई अफसर जानकारी ना दे तो उसको प्रॉब्लम होगी, ऐसा बोलते लूंगा। अच्छा तो ऐसा बोलो ना कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आपको जानकारी चाहिए। सर आपने बोलने का मौका ही नहीं दिया। शुक्ला जी। जी साहब। इन लोगों को जानकारी होना कहते दे दो, आप लोग आ जाओ इनके साथ। आइए सर। क्या हुआ सर, जानकारी मिली? आओ मिल गई। कितनी बावड़ी खुदी गई? 75। मैं सबको इकट्ठा करके थाने में धरना देने की सोच रही हूँ। हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अभी जाके सब लोगों को मिलते हैं। चलिए। नको नको, हम लोग पैदल चलते। सर वक्त की कमी है आपके पास, मुंबई जाना ना आपको। चलिए सर जीप है मेरे पास, मैं ले जाता हूँ सर। चलिए। अब आरिफ ठीक बोल रहा है, चलिए ना। चलो चलिए। इंस्पेक्टर साहब को बुलाओ। तुम लोग यहीं रुको। क्या बात, शोर क्यों मचा रहे हो? साहब सरकार ने इन सब लोगों की खेत में बावड़ी खुदाई थी। मगर सबकी बावड़ी चोरी चली गई है साहब, पुलिस आफिम खा के सो रही क्या? इन सब की रिपोर्ट लिखिए और हमारी रिपोर्ट को कच्ची से पक्की करो। फोन है साहब। बाद में। नहीं एमरजेंसी है साहब। क्या? ओ मैम साहब का फोन है, जल्दी
अरे बाप रे, क्या मियां, ये सबकी बावड़ी चोरी चली गई। हमारी रिपोर्ट दर्ज करो। लता ड्यूटी पर हूँ, बात नहीं कर सकता। ड्यूटी पर क्या करते हो मुझे पता है। पहले मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। आज पापा का फोन आया था। किसका फोन आया था? पापा का। हाँ, क्या कह रहे थे? वो मम्मी को वर्ल्ड टूर पे ले जा रहे हैं। हाँ तो टिकट बुक कराना है उनको, जल्द से जल्द। 3 लाख रुपए चाहिए। इतने सारे रुपए एक साथ कहाँ से देंगे? तुम्हारे जेवरा बैंक में गिरवी रखते क्या? शर्म नहीं आती तुमको? पापा का कर्जा चुकाने के लिए तुम मेरे जेवरा गिरवी रखते? तुम थानेदार हो या चौकीदार? तो क्या कर सकते हम? अच्छा ठीक है, मेहरबान अली से बात करने की कोशिश करूंगा मैं। सूद के बिना कर्जा देता है। मेहरबान अली से बात करो या परेशान अली से, मेरे को कोई मतलब नहीं है। अपने दिमाग से काम क्यों करते तुम लोग? निकालो नहीं करेंगे, हम कलेक्टर के पास जाएंगे। अब ये सब नहीं चलेगा, अब मिनिस्टर के पास जाना ही पड़ेगा।